हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। माय नेम इज़ मोहन कुमार। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया वोकैबलरी को याद करने के लिए, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ हाजिर हैं हम फिर से सेकेंड वीडियो लेकर, जहाँ हम और सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश वोकैबलरी और उनके ट्रिक्स। तो चलिए, आइए बिना देर के शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट वर्ड है मंडेन, MUNDANE। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, ऑर्डिनरी या मोनोटोनस। तो स्टूडेंट्स, इसे याद कैसे करें? तो ट्रिक कुछ ऐसा है, इसे याद करने के लिए ध्यान रखें कि जितने भी जॉब करने वाले बंदे हैं या जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए संडे तो अच्छा होता है, सैटरडे भी अच्छा होता है, लेकिन मंडे कैसा होता है? मंडेन होता है। बिल्कुल, तो आपको इसी तरीके से याद कर लेना है ये वर्ड मंडेन। मंडेन मीन्स ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण सा दिन या फिर एक सामान्य सा बोरिंग दिन। चलिए देखते हैं सेकंड वर्ड। तो स्टूडेंट, सेकंड वर्ड है रैवेज, RAVAGE। रैवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देना, ठीक है? तो इसे याद करने का सिंपल तरीका है, ट्रिक ये है कि किसी से भी रिवेंज लेने पर अगर हम आमादा हो जाते हैं, तो हम उसे रैवेज कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का थर्ड वर्ड है बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब होता है फ्रेंजाइड, यानी कि उन्मादी या फिर जो बौखलाया हुआ हो। तो इसे याद करने का ट्रिक है कि कोई भी इंसान जो बियर पी ले, वो बियर पी के अगर उसका दिमाग सरक जाता है तो वो ऊटपटांग काम करता है, यानी कि वो बर्सर्क बन जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वर्ड। तो फोर्थ वर्ड है डॉन्टेड। डॉन्टेड का मतलब होता है डिस्करेज्ड या डिजहार्टेंड। इसका मतलब होता है जो इंसान हताश हो या निराश हो। तो एक ट्रिक है कि किसी भी इंसान को अगर डांट दिया जाए तो वो डॉन्टेड हो जाता है। तो फिफ्थ वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्कैरसिटी। तो स्टूडेंट्स, याद रखेंगे इस ट्रिक से, ट्रिक है प्यासी सिटी, यानी कि पानी की कमी होने से, यानी कि पानी की पॉसिटी होने से सिटी प्यासी रह जाती है, यानी कि पॉसिटी दैट इज प्यासी सिटी विदाउट पानी, ठीक है? तो सिक्स्थ वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है मास्टर, डोमिनेट या फिर ओवरकम, यानी कि हावी हो जाना या चढ़ाई कर लेना। तो स्टूडेंट्स, याद रखने का ट्रिक होगा कि सर एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, जीत हासिल की थी, या उन्होंने उसे सरमाउंट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, सेवेंथ वर्ड है रैवेनस। रैवेनस का मतलब होता है ग्लूटिनस और वोरेशियस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाना खाए, पेटू जिसे आप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखेंगे रावण, ठीक है, रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर के बराबर या 10 इंसान के बराबर जो इंसान अकेला खाना खाए, उसे हम कहते हैं रैवेनस। आज का वर्ड नंबर 8 है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है ईविल, यानी कि बुरा व्यक्ति या बुरा इंसान। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक है कि जो इंसान बुरा होता है या ईविल होता है, उसके अंदर तड़पाने वाला एटीट्यूड होता है, दूसरों को तड़पाने वाला एटीट्यूड होता है, इसलिए आप वर्ड याद कर लेंगे टर्पिट्यूड, तड़पाने वाला एटीट्यूड। स्टूडेंट्स, नाइन्थ वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है सीमा से ज़्यादा, यानी कि एक्सेस। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप कहते हैं ना कि ज़्यादा खा लिए, आप कुछ व्यायाम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, खेल लें। तो बस याद रख लीजिएगा प्लेथोरा यानी कि एक्सेस, ठीक है? तो इसका ट्रिक है कि जब हम खाना एक्सेस या प्लेथोरा अमाउंट में खा लेते हैं, तो हम थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं, यानी कि ठीक है, थोड़ा खेलना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट वर्ड, ये है अभॉर। अभॉर का मतलब होता है डिसलाइक, डिटेस्ट या हेट। इसे याद रखना भी काफ़ी आसान है। अभॉर यानी कि जब आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, किसी चीज़ को नापसंद करना शुरू कर देते हैं, तो आप कहते हैं अपने दोस्तों से ना, अब और नहीं, ये चीज़ मुझे अब और पसंद नहीं, यानी कि आप उसे अभॉर करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने फिर से इस वीडियो में शुरू किया 1 से लेकर 10 तक सीखना, और इंग्लिश के इन वर्ड्स को काफ़ी आसानी से हमने याद कर लिया।
तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पिछली वीडियो की तरह काफ़ी उपयोगी नज़र आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नज़र आया होगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उनसे ज़रूर कहें कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ सीखेंगे कुछ और नए शब्द और उनको सीखने के ट्रिक्स।